I'm starting with magnetic effect of electric current, 12th standard. 12th standard में we have a law termed as Ampere's law. Ampere's law is only valid for symmetric distributions. जैसे हमने electrostats पढ़ा, उसमें हमने एक theorem किया था called as Gauss's theorem. Gauss theorem was done for sphere, cylinder, okay, just outside the conductor, वो सब चीज़ हमने किया, मगर हमने जितने भी Gaussian surface बनाए उसमें, they were all either a cylinder or a sphere. आप देखना वो symmetric थे सब. Gauss law और Gauss theorem is also valid for symmetric charge distributions. Similarly, Ampere's law is also valid for symmetric distributions. वरना आप नहीं कर सकते, वरना आपको Baad-Savart's law अप्लाई करना पड़ेगा. So we are only doing for symmetric distributions. Starting with Ampere's law. क्या स्टेट करता है ये? The line integral of the magnetic field over a closed loop is mu naught times the total current threading the loop. Okay. इसको कैसे समझना है सर? How do you understand this? हम Gauss theorem पढ़ते हैं. Gauss theorem क्या था? या Gauss law जो हमने पढ़ा, that was what? You tell me, told me that the total normal electric induction over a closed loop is summation of all the charges enclosing the loop. And TNEI का formula came was integration of epsilon naught KE cos theta ds is summation of Q enclosed. ये हमने पढ़ा. This was also valid for symmetric distribution. This is also valid for symmetric distribution. But beta, this is surface integral. याद है हमने छोटा सी पार्ट पकड़ा, टुकड़ा पकड़ा और फिर उसको इंटेग्रेट किया ओवर द होल सरफेस. इंटेग्रेशन ऑफ ds कभी आता था 2 पाई आर एल, कभी आता था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. इधर सरफेस इंटेग्रल है, इधर है लाइन इंटेग्रल. Here you are integrating the electric field. Here you are integrating the magnetic field. Because you need to find magnetic field. Okay. Near a current carrying wire or something. Closed loop tha, either be closed surface tha. Either is equal to charge enclosed by the surface. Either is mu zero times the total current threading the loop. समझ में आ रही है? आई विल एक्सप्लेन दिस बाय अ डायग्राम. सपोज देयर आर वायर्स व्हिच आर गोइंग इज करंट कैरिंग इज आई वन आई टू एंड आई थ्री, और हमको इसके सराउंडिंग में इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. व्हाट विल यू सेट अप अराउंड इट? अ करंट कैरिंग वायर सेट्स अप व्हिच फील्ड अराउंड इट? मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जान लो ये चीज. एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में क्या सेटअप करता है मालूम है ना? 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है क्या सेटअप करता है. मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है, बी बार, अदर विच इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. करंट इज गोइंग अप एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है. अच्छा, कैन यू टेल मी हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं है, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर. इट इज विच कंडक्टर? अ न्यूट्रल. चार्ज्ड विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना? रूल पता है आपको? नहीं पता है, मैं सिखाता हूं. देखो, अ चार्ज एट रेस्ट विल जनरेट, अ चार्ज एट रेस्ट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज एट रेस्ट, जो हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा, क्या नाम था उसका? चार्ज वॉज एट रेस्ट, इट वॉज जेनरेटिंग विच फील्ड अराउंड इट? इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इट विल बी अफेक्टेड ऑल्सो बाई इलेक्ट्रिक फील्ड. अ चार्ज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विल जेनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड.
ओके, चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मगर ये जो कंडक्टर है दैट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, बिकॉज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है ना, तो न्यूट्रल हो गया ना। चार्ज कब होती है बॉडी, जब डेफिशिएंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सेस होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, मगर ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, सो सिर्फ चार्ज फ्लो हो रहा है बट इट इज न्यूट्रल, सो इट मीन्स इट विल जनरेट ओनली अ मैग्नेटिक फील्ड, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज नॉट डेफिशिएंट और एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही है बात यहां पर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनिए बात। तो यहां पर है I1, I2 एंड I3, और हमको इसके कारण इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करना है, उसका असर फाइंड करना है। हम याद है उधर एक गॉशियन सरफेस बनाते थे, यहां पर हम एक लूप बनाएंगे इसके सराउंडिंग में। इस लूप का नाम मैंने दिया एम्पीरियन लूप। क्या नाम दिया मैंने? एम्पीरियन लूप, एम्पियर्स लॉ, एम्पीरियन लूप, बराबर है। अच्छा, फिर क्या करते थे हम, क्या था फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट? ड्रॉ गॉशियन सरफेस, इधर ड्रॉ एम्पीरियन लूप। सो आई ड्रॉ द स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ एम्पीरियन लूप। सेकेंड स्टेप, मार्क बी बार डीएस बार एंड थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। स्टेप 3, उधर था फाइंड द टोटल चार्ज, इधर है फाइंड द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। थ्रेडिंग द लूप, सपोज ये लूप है, कितने ऐसे थ्रेड कर रहे हैं हमने, स्टिच तो किया ना, थ्रेड कितना कर रहा है ऐसे नीडल के। स्टेप 4, अप्लाई विच लॉ? एम्पियर्स लॉ। सुनो बात इधर, ये चार स्टेप्स अगर आपको आते हैं तो आपको एमईसी कि ये एम्पियर्स लॉ के स्टेटमेंट सब आ जाएंगे। तो मुझे अगर यहां पर सबसे पहले मैंने एम्पीरियन लूप बना दिया इसके सराउंडिंग में, फिर क्या करना है, फिर इस लूप का एक छोटा टुकड़ा लेना है, उसको मार्क करना है डीएल बार। तो इसको मैं लूंगा, आई विल मार्क दिस एज डीएल बार बेटा, एंड डीएल बार का ये डायरेक्शन मार्क करेंगे, सही है? मार्क डीएल बार, दिस इज डीएस बार नहीं है बिकॉज इट इज नॉट सरफेस, इट इज लाइन इंटीग्रल। डीएल बार, बी बार किसके कारण, किन किन के कारण बी बार रहेगा? ये तीनों के कारण रहेगा। अच्छा, राइट हैंड रूल लगाओ, इसके कारण ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इस करंट को हम नीचे बनाते हैं तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा ना, देखो ना, ऐसे ऐसे, और इसके कारण नीचे रहेगा ना। सो कैन आई से द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर इज योर बी बार? I don't know. Can I say it is making an angle of theta with the DL bar? Yes or no? हमने बना दिया। What is the total current threading the loop, beta? I1 plus I2 minus I3. Because इन दोनों का magnetic field अगर clockwise है तो इसका magnetic field anti-clockwise रहे, दोनों को subtract होगा। Apply Ampere's law. तो अगर हम Ampere's law लगाते हैं इधर, तो फॉर्मूला बनेगा इंटेग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज म्यू नॉट आई टोटल। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ विच लॉ? एम्पियर्स लॉ, दैट इज इंटेग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार, द लाइन इंटेग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। वट एवर आई रोट इट ओवर यर, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। जैसे ये आपने याद किया ना, इंटेग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट के कॉस थीटा डी एस एस समेशन क्यू, वैसे ये आपको याद रखना है, इंटेग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज म्यू जीरो आई टोटल, इंटेग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज म्यू जीरो आई टोटल,
इंटेग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज म्यू जीरो आई टोटल, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको हम इधर अप्लाई करते हैं। कैन आई से इंटेग्रेशन ओवर द क्लोज लूप ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज म्यू जीरो टाइम्स व्हाट इज आई टोटल बेटा? कैन आई से इट इज आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री? जनरली अगर हमको अप्लाई करना है तो कैन आई अप्लाई दिस वे? यस सर। एंड व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? कम ऑन, ए बी कॉस थीटा, सो इट विल बी बी बार डॉट डी एल बार, बी डी एल कॉस थीटा। और हम यहां पर देख सकते हैं कि बी है ये, इसके दो कंपोनेंट अगर हम बनाएंगे तो एक कंपोनेंट यहां पर बनेगा दैट इज बी कॉस थीटा, एंड एक कंपोनेंट यहां पर बनेगा दैट विल बिकम बी साइन थीटा। वी नीड दैट कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द डी एल बार, एंड विच कंपोनेंट इज दैट? B cos theta. That's why we have put dot product over here. समझ में आ रही है बात? हमने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिखा, हमने यहां पर कौन सा प्रोडक्ट लिखा? डॉट प्रोडक्ट। सो इंटेग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार दैट इज इनडायरेक्टली कैन बी रिटन एज बी डी एल कॉस थीटा विल बी म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। तो हम फिर से याद रखेंगे एम्पियर्स लॉ, द लाइन इंटेग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। स्टेप नंबर वन टू थ्री फोर, ये आपको याद रखना है, एंड द नेक्स्ट थ्री डेरिवेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेप, स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है सीसीसी, एंड इसके कारण हमको सराउंडिंग में क्या सेटअप करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हमने देखा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका करंट आए है तो वो सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा? अभी हमने सिखाया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर। कौन सा फील्ड सेटअप करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बी बार सेटअप करेगा। सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, एंड मुझे फाइंड करना है इधर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी आर स्टैंडिंग नियर द टावर एंड आई वाज आस्किंग हाउ मच वाज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट मोमेंट एट दैट पॉइंट, वैसे यहां पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एंड द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी दिस वे ना। इफ यू होल्ड इट इन द राइट हैंड दिस विल बी दिस वे, द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? बी बार ना। समझ में आ रही है बात? तो सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड वी आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, आई एम स्टैंडिंग हियर एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, आई नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। हम लोग सिर्फ स्टेप्स अप्लाई करेंगे, आंसर हमें अपने आप आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ एम्पीरियन लूप। तो यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से मैं पासिंग में एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। जैसे हमने उधर गॉशियन सरफेस बनाया, इधर हम क्या बनाते हैं बेटा? एम्पीरियन लूप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? मार्क बी बार डीएल बार एंड थीटा। तो हमने कोई भी एक छोटा टुकड़ा पकड़ा, डीएल बार, डीएल बार हमने ये लिया, ये डीएल बार है, और हमको पता है कि अगर ये करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ भी किधर रहेगा? इधर ही रहेगा। मींस बोथ आर टेंजेंशियल टू ईच अदर, यस और नो? सो हाउ मच इज थीटा एट दिस पॉइंट? जीरो। अरे बी बार एंड डीएल बार आर देयर इन द सेम डायरेक्शन, जीरो। हर पॉइंट आप कोई भी पॉइंट पकड़ो यार, आप डीएल बार इधर लो, आप डीएल बार अगर ये टुकड़ा लेंगे डीएल बार, सो बी बार भी ऐसे ही रहेगा ना, तो थीटा कितना रहेगा? जीरो। आप कोई भी पॉइंट ले लो आपको वही आएगा आंसर, थीटा जीरो। नेक्स्ट स्टेप करंट थ्रेडिंग द लूप। हाउ मच इज द करंट थ्रेडिंग द लूप? ये लूप है, हाउ मच इज द करंट थ्रेडिंग द लूप? आए टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप इज आए। लास्ट स्टेप क्या कहता है? अप्लाई एम्पियर्स लॉ।
द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, हमने लिखा। बी बार डॉट डीएल बार हमको पता है इज बी डीएल कॉस थीटा, म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप इज आई एंड थीटा ओवर हियर एट एनी पॉइंट विल बिकम जीरो एंड कॉस जीरो इज गोना बिकम वन। तो ये क्या हो गया, बी cos 0 is 1, integration over the closed surface of dl is mu not i, but अगर हम सब dl जोड़ते हैं, dl 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 सब dl को हमने जोड़ा तो ये बन जाएगा 2 by r, सब dl आप जोड़ के देखो it will become l, integration of dl is l but l is equal to what beta 2 by r, so b integration over the whole loop of dl's will become what 2 by r म्यू नॉट आई। सो बी क्या मिला आपको, म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर। समझ में आ रही है, व्हाट इज अ बी और आर का रिलेशन, इनवर्स, मतलब जैसे आर बढ़ेगा वैसे बी कमजोर होता जाएगा एंड जैसे आर छोटा होगा वैसे बी बढ़ता जाएगा। So the graph of B versus R, if I take, becomes somewhat this way. Getting it? What's happening? Aise jayega. And at R infinity, B will become equal to what? Zero. Infinity matlab outside the field. So humne yahan pe steps lagaye aur humko directly answer mil gaya. We have 2 to 3 marks in the examination. Getting it? What's happening? B bar is asked 4 marks in the examination. B bar due to a long current carrying solenoid. Long current carrying solenoid. So this is a solenoid with n number of turns. We can say current is entering from here. Aise jaage. Aise. To yahan se bahar aayega. Aur yahan se thread karte hue andar jaayega. Dekhiye. Aise. It is going. Aise andar ja raha hai. नीचे से अंदर जा रहा है, अंदर जाना मतलब क्रॉस और बाहर आना मतलब डॉट। सो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस दिख रहा है ये, ऐसे है, समझ आना चाहिए क्लियर एकदम। अच्छा अगर हमने ऐसे बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी दिस वे ना, इफ यू होल्ड इट यू कैन सी इट इज गोइंग दिस वे। सो द मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखे ना डॉट और क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस साइड। और अगर ये लॉन्ग है तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी यूनिफॉर्म, बट बाहर का मैग्नेटिक फील्ड विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू जीरो। देखिए कैसे आता है, मैं आपको बताता हूं ऐसे। तो अगर हमने यहां से ऐसे बनाया और यहां से निकलते हुए बनाया, सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो बनेगा दैट विल बी यूनिफॉर्म, yes or no, it's going this way, understood? ऐसे जा रहा है और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी वेरी लेस। सो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म एंड बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, बिकॉज एक दो लाइन ही पास हो रही है, yes or no? Lines of force start from positive charge and end towards negative charge. That was an electrostatics. यहाँ पर lines of force start from north pole and end towards south pole. Okay, outside. And inside they go from south to north. तो ये south है and ये north है. So inside they go from south to north and outside they go from north to south. समझ में आ रही है बात? मगर बाहर का फील्ड सिंस इट इज अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड हमने कमजोर पकड़ा, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गए सब डायग्राम्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एवरीथिंग सब बराबर से देखिए, देन ओनली वी कैन डू द मैग्नेटिक फील्ड। सो वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग, अगर लॉन्ग है तो बी इनसाइड ही मिलेगा, बी आउटसाइड नहीं मिलेगा एंड बी इनसाइड जो रहेगा दैट विल बी यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, बी इनसाइड इज यूनिफॉर्म फील्ड, गेटिंग इट? अच्छा स्टेप्स अप्लाई करते हैं आंसर हमको अपने आप आएगा।
सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, ड्रॉ एम्पीरियन लूप। तो हम यहां पर एक एम्पीरियन लूप पकड़ते हैं, ओके okay. थोड़ा सोच समझ के हमको एम्पीरियन लूप पकड़ना पड़ेगा। एंड नेम द एम्पीरियन लूप इज एबीसीडी। लेट द लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप बी एल। गेटिंग इट? गेटिंग इट ना बेटा? अच्छा, यहां पर हमको क्या, फिर सेकंड स्टेप क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप था एम्पीरियन लूप बना दो, बना दिया हमने। सेकंड, मार्क डीएल बार बी बार एंड थीटा। अच्छा, हमको मालूम है बी बार अंदर ऐसे है, तो हम एक छोटे छोटे टुकड़े पकड़ेंगे ए बी बी सी सी डी डी ए में। तो सबसे पहले हम जाते हैं ए बी पर, ए बी का छोटा टुकड़ा हम पकड़ते हैं, ये दैट इज डीएल बार, इसका छोटा टुकड़ा डीएल बार, इसका छोटा टुकड़ा डीएल बार, इसका छोटा टुकड़ा डीएल बार, सही है? देन कैलकुलेट थीटा फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आई नो बी इधर है, डीएल भी इधर है, सो थीटा इस टुकड़े के लिए कितना रहेगा बेटा? जीरो। आई नो बी इधर है, डीएल इधर है, सो थीटा इस बीसी के लिए कितना रहेगा? 90। यू नो थीटा फॉर डीए विल आल्सो बी 90, एंड बाहर इसके लिए थीटा कितना है? 180। मगर हमको एक चीज पता है कि बी इधर है ही नहीं बेटा, बी आउटसाइड कितना है? जीरो। तो बाहर के लूप के लिए तो बी है ही नहीं, तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी बी एक्सटर्नल इज जीरो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? सबको समझ आ रही है बात? नाउ वी स्टार्ट विद द डेरिवेशन। नेक्स्ट वन, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ एम्पीरियन लूप हो गया। सेकेंड स्टेप, मार्क बी बार डीएल बार एंड थीटा निकाल लिया हमने। थर्ड स्टेप क्या कहता है? टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। उसके लिए हमको एक डेटा दिया हुआ है, they tell you that small n is n by l of the solenoid. What is n by l? It is number of turns per unit length of the solenoid. मतलब एक मीटर में n number of turns है, तो दो मीटर में कितना रहेंगे? 2n। तीन मीटर में कितना रहेंगे? 3n। तो l meters में कितना number of turns रहेंगे? l है ना, यहां से यहां तक कितना number of turns रहेंगे यहां पे? ln। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द एम्पीरियन लूप विल बी एन एल, क्योंकि लेंथ इज एल। अगर लेंथ एक्स होता तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स जाते हैं अंदर? एन एक्स। अगर लेंथ 10 मीटर होता तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स होते उधर? 10n। तो यहां पर है एन एल। गेट? नाउ आई एम फाइंडिंग टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। That is I total. देखो इधर ना, बात सुनो प्लीज। देखो थ्रेडिंग द लूप क्या हो रहा है? सपोज ये लूप है, ये करंट I है, ये भी I है, ये भी I है, ये भी I है, they all are simultaneously threading the loop. I कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिया हमने? N. So total number of current which is threading the loop will become NI. भाई सिर्फ एक आई नहीं है, साथ में कितने आई चल रहे हैं? साइमल्टेनियसली देयर आर सो मेनी आईज व्हिच आर कमिंग। देखो ना, तो कितने आई हो गए? एन आई। सो टोटल करंट व्हिच इज थ्रेडिंग द लूप इज हाउ मच बेटा? एन आई। बट यू नो एन इज एन एल, सो इट कुड बी रिटन एज व्हाट? एन एल आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देखो, ये लूप है, आई 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 आई, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स बेटा? एन आई। फिर बाहर आ रहे, देखो ना, अंदर से थोड़ी जा रहे, अंदर तो नीचे से जा रहे। लूप तो हमने इतना सी पकड़ा ना, ऊपर का लूप तो हमने सिर्फ यही पकड़ा, यस और नो, ये पकड़ा हमने। तो दीज आर ऑल द एंड्स ना विच आर थ्रेडिंग द लूप, सो हाउ मच विल बी एन आई? बट एन इज एन एल, यस और नो सर? लास्टली अप्लाई पिछलो,
एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप. बट हाउ मच इज द नेम ऑफ द एम्पियरियन लूप सर? एबीसीडी है, एबीसीडी है लूप का नाम. मैं एक काम करता हूं, इसको तोड़ता हूं अलग अलग पार्ट्स में. ए से बी, बी बार डॉट डी एल बार, बी से सी, बी बार डॉट डी एल बार, सी से डी, बी बार डॉट डी एल बार, डी से ए, बी बार डॉट डी एल बार इज म्यू जीरो टाइम्स टोटल करंट. व्हाट ऑल विल बिकम जीरो? अरे मेरा भाई, ए ने थीटा 90, ए जीरो, बी सी, सी डी भी जीरो हो गया, डी टू ए भी जीरो हो गया, बिकॉज कॉस 90 विल बिकम इक्वल टू जीरो. दे आर डॉट प्रोडक्ट ना. तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ए बी. अच्छा, ए बी के लिए थीटा कितना है? जीरो. एंड कॉस जीरो विल बिकम वन. सो कैन आई से बी डी एल कॉस जीरो फ्रॉम ए टू बी is mu naught times the total current and the total current is NLI? Yes sir. B बाहर आ जाएगा, cos 0 तो एक बन गया. What is the integration of DL? Integration of DL from A to B is L. तो ये BL हो गया और ये हो जाएगा mu 0 NLI. ये cancel हो जाएगा. तो B का value कितना आया आपको? म्यू जीरो छोटा है ना. दिस इज इंडक्शन फॉर अ सोलोनॉइड एंड इनसाइड द सोलोनॉइड. म्यू जीरो स्मॉल एन आई, वे एन इज एन बाय एल. म्यू जीरो स्मॉल एन आई, वे एन इज एन बाय एल. म्यू जीरो स्मॉल एन आई, विच इज एन बाय एल. समटाइम्स दे आस्क यू व्हाट इज इंडक्शन एट द एंड्स ऑफ द सोलोनॉइड. ऑलवेज रिमेंबर, इंडक्शन एट द एंड ऑफ द सोलोनॉइड विल बी म्यू जीरो एन आई divided by 2. Why sir divided by 2? Because yahan par it will be only there due to the north pole and yahan par it will be only there due to the to ek ke karan to half half hi rahega na, beech mein to dono ke karan hota hai. Either it is only due to north or only due to south will become mu 0 ni divided by 2 where n will become n by l. Samajh mein aa rahi hai?